तो फ्रेंड्स अभी हम लोग करेंगे आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है आपके सामने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे 25 सितंबर का पेपर को जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे रीजनिंग के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो मेरा रीजनिंग का सेट होगा वो होगा सेट नंबर 21। इससे पहले मैंने आपका 1 से लेकर 20 तक कंप्लीट करा दिया, तो जिन लोगों को नहीं पता या फिर जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हो तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहां पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग दोनों मिल जाएगा, ठीक है। और इस वाले सेट का हम लोगों ने मैथ आपका कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन को आप कभी भी देखते हो तो ये मत सोचना कि आपको वो क्वेश्चन आता है इसलिए आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और तब तक करना जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, विषम की पहचान करें, ठीक है। विषम की पहचान करने बोला, मतलब आपसे पूछा है ऑड वन बताओ इसमें कौन है। तो यहाँ पर देखो बताओ इसमें ऑड वन कौन है। तो ध्यान से देखो ये ए बी सी डी ये एक केवल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप कोरिलेट मत करना नीचे वाले से, ठीक है। तो ये केवल आपका एक नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंस देखना है कि यहाँ इसमें आपका कौन सा अलग है। तो यहाँ देखो 6F है, P14 है, U21 है, W23 है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा F 6 नंबर का लेटर होता है, U आपका 21 नंबर का लेटर होता है, W आपका 23 नंबर का लेटर होता है, बट जो P है वो आपका 14 नंबर पर नहीं होता है, P आपका 16 नंबर पर होता है, जो कि ऑड है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। मतलब ये आपका, ये अगर बी ऑप्शन वाइज है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, लीजेंड का कोड आपको दे रखा है, आपसे पूछा ट्रेंड का कोड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो लीजेंड में कितना लीटर है, तो यहाँ देखोगे 6 लीटर है, और ट्रेंड में देखो यहाँ पर आपका 5 लीटर। तो मैंने आपको बताया था पहले जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग मिले तो पहले यही चीज़ आप देखो, तो यहाँ 6 लीटर है, यहाँ 5 लीटर। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, जो लाइन बाय लाइन आपका कोड बना होगा, अब यहाँ देखोगे लाइन बाय लाइन में तो आपको यहाँ से दिख जाएगा एल का कोड 12 दिख रहा है, जो कि आपका एल का प्लेस वैल्यू है। ई का कोड देखोगे तो 5 बना है। अब आपको समझ आ गया पैटर्न क्या चल रहा है। कभी कभी ये जरूरी नहीं कि आपका ये प्लेस वैल्यू ही रहे, ठीक है, कुछ भी आपका हो सकता है, मगर ये आपको पता चल जाएगा कि ये जो सारे चीज़ है वो आपके लाइन बाय लाइन आपका कोड दिया हुआ है, बात समझ रहे हो। तो बस अब यहाँ ट्रेंड का देख लेंगे, तो टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे, ई आपका 5 नंबर पे। फिर आप ऑप्शन को भी यहाँ पर ध्यान देते चलना, ठीक है, ये पूरा आप बना के आंसर को टिक करने की जरूरत नहीं है, केवल ऑप्शन का भी आपको हेल्प लेना। तो ये और ये तो इसका आंसर होगा नहीं, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 17 है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, क्रम अनुसार दी गई निम्न संख्या श्रृंखला की कोई एक संख्या क्रम का पालन नहीं करती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, समझ गए क्वेश्चन। यहाँ पर बोला एक आपका ये जो आपका एक क्रम में चल रहा है, यहाँ पर आपका इन चारों में से आपका कोई एक ऐसा है जो आपका इस क्रम से नहीं है, तो वही आपको बताना है कि कौन आप यहाँ पर आपका आपका गलत है, मतलब कौन आपका एक इस क्रम से आपका बिलोंग नहीं करता है, क्लियर है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पर पैटर्न समझने नहीं है, यहाँ पर देखोगे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है, कुछ आपको पैटर्न वटन देखना नहीं कि किस तरीका से बढ़ रहा है। आप केवल ध्यान से देखिए यहाँ पर जो पहला लेटर है, मतलब जो पहला नंबर है उसमें कितने नंबर्स है, तो टोटल आपके 5 नंबर्स है, ठीक है। अगर इस वाले में देखोगे तो इसमें टोटल कितने नंबर्स है, तो इसमें आपको टोटल 6 नंबर्स दिखेंगे। इसमें देखोगे तो कितना आपको दिख रहा, 8 नंबर्स दिख रहा। अगर आप यहाँ देखोगे तो कितना दिख रहा है आपको, 3, 6, 9, 2, 11 दिख रहा। अब आप ही देख के आप बताओ यहाँ पर पैटर्न कौन आपका यहाँ पर अलग आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा केवल आपका ये वाला जो है आपका अलग दिख रहा है, क्योंकि यहाँ देखो 5 नंबर है, यहाँ 8 नंबर है, यहाँ 11 नंबर है। तो यहाँ पर एक क्रम में चल रहा है, 5 से 3 बढ़ गया 8 हुआ, 8 से 3 बढ़ के 11 हुआ, बात समझ आया। यानी आपका कौन गलत हुआ, यहाँ पास ये वाला हुआ, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये रहा, इसको ट्राई करो। ये आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोला है, सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है और फिर वह दाएं मुड़कर 500 मीटर और चलती है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, ठीक है। चलो क्या बोला शुरू में, पहले सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, तो 2 किलोमीटर चल रही है। अब 2 किलोमीटर है, यहाँ 500 मीटर है, तो कन्फ्यूज होने वाली बात कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप 2000 मीटर भी समझ सकते हो,
तो ये आपका 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद क्या बोला, वो फिर दाएं और मुड़कर 500 मीटर चलती है। तो दाएं मुड़कर चलती है मतलब वो राइट साइड मुड़ रही है, तो राइट साइड आपका यहाँ हो जाएगा और वो आपका 500 मीटर चली है। अब आपसे क्या पूछा, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा पर है, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से आपसे पूछा कि वो आपका किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से वो कौन सा डायरेक्शन में है, आपको दिख रहा है दक्षिण पश्चिम, यानी आपके इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, साउथ वेस्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे क्या बोला, निम्नलिखित में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, मतलब फिर से आपको पूछा ऑड वन आउट, बताओ कौन है आपका। तो यहाँ देखो पारा है, ठीक है, पारा पैराफीन, फिर आपका एक है नारियल तेल और एक है आपका औसाद। तो यहाँ पर आप बताओ यहाँ पर कौन सा आपका एक ऑड वन है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे पारा, पारा मतलब एक आपका कोई धातु होता है, ठीक है, मतलब मेटल वोटल कुछ होते हैं। पैराफिन भी देखोगे तो एक टाइप का कुछ आपका वस्तु, मतलब नहीं बोलेंगे साइंस, मतलब कि जैसे रिएक्शन सब में यूज होते हैं पैराफिन आपका, ठीक है, तो ये भी आपका कोई एक सामान है, बात समझना। पारा आपका क्या, एक मेटल या फिर धातु है, एक आपका वस्तु हो गए, यहाँ भी आपका एक वस्तु हो गए, अब यहाँ नारियल तेल ये भी आपका एक वस्तु हो गए, ठीक है, बट अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन जो कि आपका इस समूह से अलग है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है, आपसे पूछा है यहाँ पर कितने टोटल ट्रायंगल है, ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपको जो भी ट्रिक आता है ट्रायंगल की काउंटिंग करने में, तो आप यहाँ पर अपना ट्रिक लगा सकते हो, और मैं बोलता भी हूँ कि आप लोग अगर ट्रिक का पीछे रहोगे तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपका ट्रिक काम नहीं करता है। तो बेसिकली यहाँ पास भी देखोगे तो आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं करने वाला है, बट मैं जिस तरीका से बताता हूँ अगर आप उस तरीका से करोगे तो आप इसको इजीली काउंट कर सकते हो। कैसे, पहले मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी कोई भी फिगर को देखते हो तो इस चीज़ को ध्यान देना कि वो फिगर है कैसा। तो इस वाले फिगर को देखोगे तो आपको फिगर सिमेट्रिक दिखेगा। सिमेट्रिक दिखेगा मतलब क्या, कि अगर आप इस फिगर को यहाँ से काट देते हो, ठीक है, इस फिगर को अगर यहाँ से आप काट दोगे तो एक फिगर ये बन गया, एक सेम फिगर आपका ये बन गया, तो इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक फिगर। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, केवल एक ठो को काउंट करना है और एक ठो को काउंट करने के बाद आपको डबल कर देना, बात समझ रहे हो। इस तरीका से एक पैटर्न में अगर आप काउंट करोगे तो कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद सब कुछ आपका सही होगा, कभी भी काउंटिंग फिगर में गलती नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास भी हम लोग वैसे ही करेंगे, तो ये वाला फिगर जैसे कि मैंने बताया यहाँ से अलग है, तो इस चीज़ को हम लोग अलग अलग करके काउंट करते हैं, तो ये चीज़ को हटा देते हैं, अब काउंट करते हैं। अब काउंट करने का भी तरीका होता है, पहले आपको क्या करना, सिंगल सिंगल काउंट कर लेना, जैसे कि इस फिगर में दिख रहा है, तो पहले सिंगल वाले ट्रायंगल को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर आपका एक हो गया, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ये वाला, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है, तो टोटल आपके कितने बन गए ट्रायंगल, यहाँ पास 12 ट्रायंगल बन गए सिंगल सिंगल, ठीक है, सिंगल सिंगल 12 बन चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब मर्ज करेंगे, अब मिला के ट्रायंगल बनाएंगे, तो ट्रायंगल को मिला के बनाते हैं। अब तो 12 के बाद यहाँ से एक 13 दिखा, 13 के बाद आपका यहाँ देखो इस वाले को, 13 के बाद ये आपका 14 हो गया, ठीक है। अब 14 के बाद आप यहाँ से काउंट कर लो एक, ठीक है, 13, 12, 13, 14 हो गया ये आपका, ठीक है, 12, 13, 14, 15 हुआ ना, ठीक है, 12 हुआ था, 13, 14, 15 हो गया। 15 के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक यहाँ से दिख रहा है, 16 हो गए, और एक आपका यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, इस साइड वाला मतलब, तो ये आपके 17 हो गए। यानी 17 जब आपका यहाँ से हो गए तो यहाँ से आपके कितने होंगे, 17 होंगे, यानी कितने होंगे टोटल, 34, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच संबंध को सही तर्क से दर्शाता है, मतलब वेन आरेख है तो क्या है आपका, लंबाई चौड़ाई और ये आपका आयाम, ठीक है, तो ये आपका लंबाई मतलब लेंथ और चौड़ाई मतलब ब्रेथ और आयाम मतलब क्या होता है, डायमेंशन होता है, ठीक है, डायमेंशन। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखो लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, एक आपका डायमेंशन होता है, यानी इसके अंदर आपका डायमेंशन के अंदर में ही लंबाई चौड़ाई होंगे, यानी ये आपका एक लंबाई हो गया एक आपका चौड़ाई हो गया, यानी पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, नीचे दिए गए कथन के अनुसरण दो तर्क द्वारा किए गए, आपको यह तय करना है कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आपका कथन में क्या बोला, क्या बच्चे को समझदारी से इंटरनेट का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी बात बोली गई है, क्या बच्चे लोगों को समझदारी से इंटरनेट का यूजेस करना सिखाना चाहिए क्या, ठीक है, ये बोला गया। तर्क में क्या बोला आपका, हाँ इस तरह के जिम्मेदारी से इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में सीख
सीख सकेंगे, ठीक है, मतलब उसको यूज करने के बारे लेके वो लोग आपका अच्छे से सीख सकेंगे, ये आपका हाँ के रूप में बोला गया। दूसरा क्या बोला, नहीं वो स्वयं खोज कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ ये कौन सा तर्क यहाँ पर सही है सबसे पहले। तो अब बच्चे लोगों की बात की जा रही है तो बच्चे लोगों को तो बताना पड़ेगा ना कि किस तरीका से उसको क्या यूज़ करना, किस तरीका से करना है। तो यहाँ पर आपका कौन सा तर्क सही होगा, पहला वाला सही होगा, क्योंकि नहीं वाला तो बात ही अलग हो जा रहा थोड़ा सा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा, केवल तर्क वन मजबूत है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, देखो कथन में ऐसा चीज होता है क्या ना, तर्क में कि कथन आपका कुछ ऐसा होता है जहां पर आपको बिना तर्क को पढ़े आप बता सकते हो कि यहाँ पर आपका मजबूत कौन सा तर्क होगा, ठीक है। जैसे कि आप इस वाले केस में देखते हो तो इसमें पता था कि हाँ के रूप में ही आपका तर्क आपका मजबूत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो ये आपका सीरीज है। तो यहाँ पर आप देखते हैं 30 से 42, 42 से 54, 54 से 66, 66 से आगे क्या होगा। तो यहाँ देखोगे 12 बढ़ रहा, 12 बढ़ रहा, 12 बढ़ रहा, आगे भी क्या होगा, 12 ही बढ़ेगा। मतलब 66 प्लस 12 कितना होता है, 78। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। ये क्वेश्चन शायद वही है, शायद मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, ठीक है हटाते हैं इसको। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पास क्या बोला आपका, फिर से कथन और आपका ये क्वेश्चन आपका कथन और आपका वो वाला है डाटा सफिशियंसी से क्वेश्चन है। कथन आपको दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन है और ये दो कथन है, आपको बताना है कि कौन सा पर्याप्त होगा इसका आंसर देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला आपका, सीजू के पास समान भार वाले 10 थैले हैं, इन 10 थैलों का कुल भार कितना है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीजू के पास समान भार वाले मतलब आपका इक्वल वेट वाले 10 थैले हैं, मतलब 10 थैले मतलब 10 बैग है। अब उन बैग का बोला है कि आपका टोटल मतलब 10 थैलों का मतलब टोटल बैग का टोटल वेट कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहला कथन क्या बोला, देखो प्रत्येक थैले का एक तिहाई भार 8 किलोग्राम है। तो सबसे पहले बताओ आप क्या कथन वन से इसका आंसर दे पाओगे, और दूसरा क्या बोला आपका, थैले में चावल है, तो थैले में चावल इसका मतलब तो कोई हुआ ही नहीं, मतलब ये कथन दो से तो आप कभी भी आंसर दे नहीं पाओगे। अब यहाँ पर प्रत्येक थैले में एक तिहाई भार आपको 8 किलोग्राम बताया, अगर एक तिहाई भार आपका 8 किलो है तो मतलब वो थैले का वजन कितना होगा, एक थैले का तो 24 किलो का एक थैला होगा, यानी आप बता सकते हैं 10 थैलों का भार, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कथन केवल वन पर्याप्त है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, तो आपसे पूछा आगे वाला इसमें क्या होगा, लेटर या फिर नंबर। तो यहाँ पर देखो पैटर्न समझो कि क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो 12 है, 2 है, 14 है, 4 है और 16 है। तो यहाँ देखो कि 12 से अचानक 2 हो गया, 2 से 14 और 4 और 16, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये अल्टरनेट सीरीज लग रहा है, क्योंकि 12 से 14 हुआ, 14 से 16 हुआ, बात समझ रहे हो। फिर यहाँ भी 2 से 4 हुआ तो 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 2-2 करके बढ़ रहा है। अब लेटर में समझते हैं और ऑप्शन का हेल्प लेंगे तो ये तो पहले कट जाएगा सबसे पहले। अब लेटर देखो, एच से जी हुआ, ठीक है, जी से क्या होगा मुझे पता नहीं। यहाँ पर देखो बी से सी हुआ था, सी से डी हुआ था, यानी एक एक करके लेटर बढ़ रहा है, यानी यहाँ भी आपका क्या होगा, एच हुआ, जी हुआ, तो जी से अब क्या होगा, यहाँ पर घट रहा चुकी, ठीक है, ये भी देखना है। 8 से 7 हुआ, 7 के बाद क्या होगा, 6 होगा, यानी एफ हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, 21 जून 2027 के 5:47 से 22 जून 2028 के 5:39 PM के बीच बीती समय विधि कितनी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये पहले वाले भी जो मैंने आपका 20 से 21 जो सेट कराया था, सेम आपका क्वेश्चन इसी तरीके का था, केवल यहाँ पर आपका डेट अलग था, ये चीज़ आप भी जानते होंगे अगर आपने मेरे वो वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। तो चलिए आज मैं ये वाला क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर बताना इसका क्या होगा, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला आपका, पैनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे, प्रवेश द्वार का संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। तो चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पास क्या बोला, पैनी का घर पश्चिम मुखी में है, तो पश्चिम मुखी मतलब होता क्या है, पश्चिम मुखी मतलब समझ लो थोड़ा देर के लिए, मान लो ये कोई भी घर है तो उसका जो घर का डोर होगा वो वेस्ट साइड में होगा, मतलब इस साइड में आपका उसका डोर होगा, बात समझ रहे हो, ये होता है पश्चिम मुखी। अब जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा देखो, क्या बोला, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे, मतलब आप अपने किचन को राइट साइड पाएंगे,
तो देखो जब आप इसके घर पे आप इसके घर में घुसोगे तो यहां से आप बताओ राइट साइड होगा क्या? ये आपका लेफ्ट साइड होगा नॉर्थ की तरफ, और राइट साइड क्या होगा? साउथ की तरफ। तो यानी उसका किचन कहाँ है? इसी साइड में है कहीं। बात समझ रहे हो? अब आपसे क्या पूछा है, प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है? तो बताओ किस दिशा में स्थित है? दक्षिण में स्थित है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र से लगभग मिलता जुलता है? तो यहाँ पर बताओ कौन सा फिगर इसका सेम आपका इसी तरीका का दिख रहा है। तो ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, ये सब ऑप्शन को ध्यान से देखो। यहाँ पर देखोगे ऑप्शन ए में ये इतना कमी आपको दिख रहा है, बी में देखोगे तो इतना कमी दिख रहा है, सी में देखोगे तो ये भी आपका कम है, मगर डी में देखोगे तो आपका सब कुछ है, बट थोड़ा फिगर को उल्टा कर दिया गया, यानी आपका मिलता जुलता कौन है हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, यानी आपसे कैलेंडर क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कैलेंडर से क्वेश्चन आपका आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, आपको पता होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीना एग्जाम जब चला था तो क्या हुआ था कि सितंबर और अक्टूबर का पेपर आप अगर आप देखोगे ना, तो मैक्सिमम शिफ्ट में आपको कैलेंडर के क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है, बट नवंबर और दिसंबर में देखोगे तो आपको बहुत ही कम शिफ्ट में आपको कैलेंडर का क्वेश्चन दिखेगा। तो ऐसा इस बार भी वैसे ही कुछ होने वाला, 2019 में जब एग्जाम होगा आपको पता है 3 से 4 महीना आपको भी लगेगा एग्जाम पूरा कंडक्ट कराने में, तो अब ये डिपेंड करेगा कि आपके शिफ्ट में आएगा या नहीं आएगा। तो मगर आपको तो करके रखना होगा ना, अगर आपके शिफ्ट में आ गया तो फिर आप क्या करोगे, बात को समझ रहे हो, तो इसलिए आपको करना होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन क्या आते हैं, तो यहाँ पास बोला 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो बनाते हैं इसको कोड से जल्दी से। तो 7 का 7 हो जाएगा, जनवरी का क्या होता है कोड 0 होता है, मैं बता चुका हूँ, कैलेंडर का मैंने वीडियो बना दिया पर सेपरेट से जिसमें सब कुछ बता चुका हूँ, तो आपको पता होगा जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0 प्लस 2011, तो ये सेंचुरी का कोड क्या हो जाएगा 2000, सेंचुरी का 6 होता है प्लस 11 का 11 हो गया। अब ये 11 वर्ष में कितने लीप वर्ष आएंगे, तो टोटल 2 ही आएंगे, यानी 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 7 से पहले इसको काट देते हैं, क्योंकि 7 7 से हम लोग काटते चलते हैं। यहाँ देखो क्या हो गया, 6 और 11 कितना हो गया 17, और 17 2 19, यानी 19 को 7 से भाग देंगे तो मेरा शेषफल कितना बचेगा, 7 2 14, और 5 बचेगा शेषफल, यानी 5 नंबर पे कौन सा दिन होता है, शुक्रवार, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, कथन में फिलहाल ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी को कहते हैं मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, ब्रांच मैनेजर कोई आपका सहयोगी को अपने कहते हैं कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं। चलो अब देखते हैं पूर्व धारणा क्या बन रहा, तो पहला क्या बोला गया, मार्च के अंत में और अधिक काम है, तो चलिए बात सही है। दूसरा क्या बोला आपका, समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है। तो अब आप लोग मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा आपका पूर्व धारणा है जो आपका निहित करेगा, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो पहला में क्या बोला, मार्च के अंत में और अधिक काम है, तो ये ही तो बात आपको वहाँ पर एक तरफ से बोला गया है ना, वो अपने ब्रांच मैनेजर अपने सहयोगी भी कहते हैं कि मार्च के अंत में हमेशा व्यस्त होते हैं, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, आप पूर्व धारणा थोड़ा सा सोचो, तो मार्च के अंत में आपका और काम आपका बढ़ जाते हैं, जो कि सही है। दूसरा में बोला गया कि समय पर काम की कमी के कारण बहुत अधिक काम एकत्रित हो जाता है, जो कि ये आपका पूर्व धारणा एकदम भी नहीं बनता, यानी इसका आंसर क्या होगा, केवल 1 निहित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। ये आपका पूछा है निम्नलिखित आकृति का दर्पण छवि चुने, तो मिरर इमेज है, तो बताओ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, और इस टाइप का फिगर तो काफ़ी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्मल से आपको मैं बता चुका हूँ, अगर ये वस्तु अगर यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब भी उतने ही दूरी पर बनेगा, मतलब इतने दूरी पर बनेगा। अब ये देखो ये आपका ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पर ये तो आंसर कभी होगा नहीं, ये भी आपका आंसर होगा नहीं, अब ये तो ये या तो ये, अब नीचे वाले देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। फिर आपका कथन और निष्कर्ष से पूछा गया, तो यहाँ देखो क्या बोला आपका कथन और निष्कर्ष में, तो कथन ने बोला ये कि कुछ रैकून कई रंगों के हैं और कुछ तोते कई रंगों के हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको वेन डायग्राम बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो, ठीक है, तो फिर भी मैं आपका बना देता हूँ। तो क्या बोला, कुछ रैकून कई रंगों के, तो ये आपका कुछ रैकून और कई रंगों, तो ये आपका हो गया रैकून, ठीक है, ये आपका रैकून हो गया, और ये कुछ रैकून जो है कई रंगों के हैं, तो ये आपका हो गया रंगों। आगे क्या बोला, कुछ तोते कई रंगों के हैं, तो ये आपका कुछ वाला पार्ट जो होगा ये आपका तोता हो जाएगा, यानी ये आपका तोते हो गए। क्लियर है? ये मेरा वेन डायग्राम बन गया। अब देखते हैं निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या बोला,
कुछ रैकून तोते हैं, तो देखो यहाँ मेरा रैकून है और तोते मेरा यहाँ है, तो आप बताओ कुछ रैकून तोते हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते हैं, यानी नहीं होंगे, यानी करेक्ट आंसर मतलब माफ़ कीजिएगा, यानी ये वाला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या बोला आपका, सभी तोते रैकून हैं, तो देखो तोते यहाँ हैं और रैकून यहाँ है, अब आपका सभी की बात की कर दी गई है, तो रिलेशन बन ही नहीं रहे, तो फिर आपका सभी भी कैसे हो सकते हैं, यानी ये भी गलत हो गया। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कोई भी आपका फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला है, नीचे के चित्र में पैटर्न का अध्ययन करें और निर्णय ले कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। ठीक है, तो समझ गए आप, यहाँ पर आपको दे रखा है ये, इस वाले प्रश्न चिन्ह पे आपको बताना है कि कौन सा आपका आएगा, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, तो आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, ठीक है, इसको जूम कर देता हूँ तो थोड़ा आपको और अच्छा समझ आएगा। अब ध्यान से देखो पहले और दूसरे को, ठीक है, पहले और दूसरे को आप देखो, पहले दूसरे में आपको पैटर्न समझना है, तो पहले और दूसरे को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये फिगर को केवल आपको घुमा दिया गया है। ठीक है, फिगर को केवल घुमा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर आप जो चीज़ को देखोगे, यहाँ पर आप देखना ध्यान से, एक एरो बना है। ठीक है, ये एक आपका इस तरीका से आपका एरो बने हुए हैं, ये आपका कुछ एरो बने हैं, जो कि आपका ये एरो फिर घूम के ऊपर साइड की तरफ आ चुके हैं, बात समझ रहे हो? ये आपका इस तरीका से आपका एरो इस तरीका से बन गए हैं, यानी ये चीज़ को केवल क्या किया गया, घुमा दिया गया। तो यहाँ भी आपका कुछ उसी प्रकार से होगा, इस वाले फिगर को आप भी घुमा दो जैसे इस तरीके से घुमाया गया, तो यहाँ पास आपका एरो बना और यहाँ भी आपका एरो बना है, तो ऊपर वाला एरो किस तरीका से होगा, इसका जो थर्ड वाले जो है, इसका जो आप घुमाओगे तो किस तरीका से बनेगा, तो ये आपको ऊपर में बन जाएगा, यानी कुछ इस तरीका से आपका बनेगा, ये आप बात को समझो, ये आपका कुछ इस तरीका से बनेगा, बात को समझ रहे हो? और ये जो नीचे वाला रहेगा तो वो तो आपका सेम ही इसी प्रकार रहेगा। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में आपको दिखेगा ये एरो का जो मुंह का डायरेक्शन है वो इस साइड है, यानी ये इसका आंसर कभी नहीं होगा। इसका भी देखो यहाँ साइड में डायरेक्शन है, ये भी नहीं होगा। इसका देखोगे ये भी यहाँ, ये भी नहीं होगा, मगर इसका देखोगे डायरेक्शन आपका यहाँ है, जो कि मेरा भी यहाँ था, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। तो ये आपका सीरीज से क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देखते हैं 75, 21, 88 और 96। तो देखो 75 से 81 हुआ, तो मतलब 6 बढ़ा, फिर कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है, फिर आगे देखो कितना बढ़ा, 8 बढ़ा, यानी पैटर्न समझ आ गया। आगे क्या होगा, 9 बढ़ेगा, तो 96 9 कितना होता है, 105। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखो। यहाँ पास क्या बोला, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए प्रश्न चिन्ह को सही ढंग से प्रतिस्थापित करेगा। तो फिर से देखो यहाँ पास उसी तरीका से, तो देखते हैं पैटर्न समझते हैं। तो ये आपको दो दे रखा है, आपको यहाँ पैटर्न देख के समझना है और फिर आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार कराया आपको, यहाँ पर अगर देखोगे आप केवल कि कुछ कुछ जगह आपका चेंजेस हो रहा है। यहाँ पास आर देखो, और जब दूसरे वाले में देखोगे तो ये आर इस साइड आ गया, मतलब ये नीचे आ गया, ये वाले उल्टा एफ है वो आपका पीछे आ गया। आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो रहा है, सब घड़ी के विपरीत दिशा में एक एक करके पीछे जा रहा है, बात को समझ गए? यानी यहाँ भी आपका कुछ उसी तरीका से होगा, मतलब आपका ये चार सेक्शन है, तो ये आर आपका यहाँ है, तो घड़ी के उल्टा दिशा में आपका ये जाएगा, तो मतलब ऊपर आपका चला जाएगा, बात को समझ गए? ई आपका कहाँ चला जाएगा, ई भी आपका इधर साइड आ जाएगा। अब आपका जो ये वाला है, ये साइन जो है, ये भी आपका यहाँ इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर थर्ड दिखेगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पास क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है, मतलब आपका ऑड वन आउट है, बताओ यहाँ पर कौन सा है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, चढ़ना, रेंगना, तैरना और सोचना, तो एक तरफा आंसर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सोचना। क्योंकि तैरना, रेंगना और चढ़ना एक टाइप का चीज़ हो गया, मगर सोचना एक अलग चीज़ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पास क्या बोला फिर से, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा। तो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर फिर से देखो एक और दो को पैटर्न समझो और फिर बताओ इसका क्या होगा। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पास क्या होगा, ज़्यादातर बेसिकली आपको पता होगा चीज़ केवल आपको घुमाई जाती है, तो यहाँ पास भी देखोगे ध्यान से तो ये आपका केवल आपका घुमाई गई है, इस फिगर को उल्टा कर दी गई है, मतलब बोल सकते हैं आपका 90 डिग्री में घुमाई गई है। ठीक है, 90 डिग्री में आपका ये घुमाई गई है उस फिगर को, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, उस फिगर को घुमाओ, तो इस फिगर को जब आप घुमाओगे तो क्या होगा, ये स्टार आपका इस साइड में आ जाएगा, मतलब आपका जो भी आपका ये फिगर बनेगा तो स्टार आपका इस साइड की तरफ रहेगा,
जो कि अगर आप ऑप्शन का हेल्प लोगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन दिखेगा वैसा, जो कि आपका केवल ऑप्शन नंबर ए है। बात को समझ रहे हो? यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पास क्या बोला आपका फिर से कथन निष्कर्ष में? तो यहाँ पास बोला कथन में, एक फिल्म देखने के बाद लीला ने कहा, मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने का सुझाव दूंगी। समझ गए? निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में बोला गया कि लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया। दूसरा क्या बोला? वह चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखे। तो आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है? पहला बोला लीला ने फिल्म देखने का आनंद लिया, जो कि बात सही है, क्योंकि वो क्या बोल रही है और स्टेटमेंट दे रही है कि मैं अपने सभी दोस्तों को इस फिल्म को देखने के सुझाव दूंगी, मतलब जाहिर सी बात है फिल्म का वो आनंद ली होगी, यानी पहला निष्कर्ष तो फॉलो। दूसरा क्या बोलिया? वो चाहती है कि उसके दोस्त भी फिल्म देखे, जो कि आपका बात ही ये बोल रही है, यानी यहाँ पर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक। क्लियर है? तो यहाँ पास मेरा ये इसका आंसर होगा एक, और यहाँ पर इसी के साथ मेरा ये वाला भी सेट खत्म होता है। ठीक है, तो बस फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और चैनल पहली दफा आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।